गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। और आज है वेनसडे मॉर्निंग, अभी बज रहे 6:30 और 6:30 बजे मैं पी रही हूँ चाय। और कल का ब्लॉग देखा कि नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक मैं दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लेना। आज हम लोग बनाएंगे डोसा और इडली, उसकी आज रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगती है, क्या लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, कौन सी रेसिपी देखनी है वो भी बता दिया करें, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये भी सोई है, को उधर देखो, इतना उजाला हो गया, वो भी सोया है। यहाँ पे इसके शूज़ रखे हुए नए वाले, घर में पहनने वाले, है ना फूटी, है ना। तो चलिए मिलती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी बाद में, जब ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी तब। बहुत काम हो जाता है, पूरा थकान हो जाती है, पूरी बॉडी पेन करती है, और रात को तो मैंने पेन किलर भी नहीं लिया। बीच में आँख खुल जाती है, 4 बजे ही आँख खुल जाती है, पता नहीं क्यों, आदत हो गई है। चलो मिलती हूँ, किचन में। और किचन में आप बैटर देख सकते हो कितना सारा फूला है। जिसके जिन्होंने इसके मतलब भिगाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। और ये एक्चुअली ये जो डोसा इडली और बैटर भिगाने का जो भी मेथड है, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो तीनों का ही मैं लिंक नीचे दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लेना। और मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन सी वीडियो किसके लिए है, तो डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैटर निकाल रही हूँ इडली बनाने के लिए, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डालूंगी क्योंकि फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, तो कोई सोडा वगैरह डालने की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्मेंटेशन अच्छा नहीं है तो आप आधा चम्मच भी नहीं 1/4 टीस्पून जितना आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो, जो खाने वाला सोडा रहता है, बट मेरा फर्मेंटेशन अच्छा हुआ है इसीलिए मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डालूंगी और कुछ नहीं, और इसको इडली स्टीमर में लगा दूंगी स्टीम होने के लिए। तो स्टीमर का जो प्लेट है मैंने उसमें बटर लगाया है, आप चाहिए तो ऑयल भी लगा सकते हैं, बट मुझे बटर वाली इडली अच्छी लगती है इसीलिए मैंने बटर लगाया है। स्टीम हो चुका है, 10 मिनट लगता है और आप देख सकते हो कितना फ्लफी बना है, और थोड़ा सा बटर मतलब बैटर बचा हुआ है, तो मैं थोड़ा 2-4 नीर डोसा बना रही हूँ, जो इडली के साथ में सिंपल डोसा मिलता है वो। मसाले डोसे का जो रेसिपी है इसकी बाद वाली वीडियो में जाएगा, तो वो भी चेकआउट कर लेना, जिनको डोसे का रेसिपी चाहिए था जो मसाला डोसा है वो, उसके लिए। तो चलिए इसको बना लेते हैं, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
और यहाँ पे मैं सांभर बना रही हूँ। तो सांभर की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, तो उसका भी वीडियो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने तूर दाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, प्याज टमाटर लाल मिर्ची पाउडर और एवरेस्ट का जो मसाला रहता है मतलब अपना सांभर मसाला वही डाल रही हूँ। कोई सब्ज़ी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते, इसकी वजह से। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने सब्ज़ियाँ ऐड की है, तो वो वीडियो भी मैं लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट करना ना भूलें। और ये अभी इस बॉइल पे जाएगा और बॉइल के बाद तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए कुछ सामान लिया, जैसे चना दाल, उड़द दाल, राई, जीरा, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता, हींग और इमली का पानी। और एक साइड मैंने टोप में तेल गरम करने के लिए रख दिया है सांभर को तड़का लगाने के लिए। बट आप ध्यान से करें क्योंकि मैं जब प्रेशर कुकर खोल रही थी तो पूरा दाल बाहर गिर गया। आप चादर उधर जो मैंने कपड़ा डाला है आप देख सकते हो, देखिए कितना जोर वो प्रेशर खोला तो पूरा साइड में दाल गिर गया। और तड़का लगाने के बाद इसे अच्छे से आपको 15 से 20 मिनट फुल फ्लेम पे आपको बॉईल करना है। और साथ ही मैं इमली का पानी और शक्कर डाल दूँगी। शक्कर ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालें नहीं तो नहीं डालें तो भी चलेगा, बट खट्टा मीठा सांभर अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ बाद में और चटनी की रेसिपी आगे। और यहाँ पे सांभर हो चुका है, यहाँ पे नारियल की चटनी बना रही हूँ। तो अगर आपके पास गीला नारियल नहीं है तो सूखे नारियल से भी बना सकते हैं और ये चटनी इडली के साथ बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं नारियल ले रही हूँ, जो सूखा नॉर्मल नारियल है वही है। इसमें मिर्ची डालूँगी, चना दाल डालूँगी भुना हुआ और मूँगफली का दाना डालूँगी, थोड़ा सा नमक और दही डाल के पीस लूँगी और तड़का लगाऊँगी। और यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ तो आप देख सकते हो इडली कितनी स्पॉन्जी बनी है। मैं आगे आपको तोड़ के भी बताऊँगी कि इडली कैसी बनी है। और सीरियसली गाइस, ये जो मैंने आपको मेथड बनाया एक बार प्लीज़ ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि रेसिपी कैसी लगी। और क्योंकि बिना ट्राई किए आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और ईजिली बहुत अच्छे से इडली निकल जाती है और कितना स्पॉन्जी हुआ है। तो आप जिस तरह से मैंने बनाया बताया ना, उस तरह से बैटर वगैरह भिगाओगे ना तो आपकी इडली डोसा सब अच्छे से ही बनेंगे। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। और यहाँ पे देख सकते हो कितना स्पॉन्जी बना है, कितना जाली आया है। ये ऐसी इडली सिर्फ मार्केट में ही मिलती है, जल्दी हमारे से बनता नहीं है। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस अभी ब्रेकफास्ट करने बैठी हूँ और आपने देखा कितना सिंपल था सब जो भी मैंने बनाया। अगर मैंने जो चटनी बनाया है ना
जो सूखे नारियल का, सेम गीले नारियल जैसा ही लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और उसमें दही तो ज़रूर डालना, इमली के बजाय दही डालना, ताकि उसका जो खट्टापन है ना जो चटनी में आता है वो एकदम मस्त अच्छा लगता है। और सांभर में मैंने कोई सब्ज़ी नहीं डाली, सिंपल और सोबर ही मैंने डाला है। आपको मैं रेसिपी पूरा बता दूंगी अच्छे से। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैंने आपको इडली दिखाया, कितना स्पॉन्जी हुआ है देखिए, कितनी फुली फुली। बहुत लोगों का यहाँ से वाइट हो जाता है, चिकट चिकट हो जाता है, बट दोनों साइड से सेम इक्वली फुली हुई है, देख सकते हो। जिस तरह बैटर, मतलब आप जैसे मैंने कल 11 बजे भिगाया था ना, तो 11 बजे से भिगा के रखा था मैंने, रात को 12 बजे पीसा, तो कम से कम 12 से 13 घंटे मैंने चावल दाल भिगा के रखा था, उसके बाद पीसा और उसके बाद से फर्मेंटेशन के लिए पूरे रात भर रखा, तो अच्छे से बना। नहीं तो अगर आप घाई घाई करोगे, 4-5 घंटा ही भिगाओगे, तो ऐसी इडली नहीं बनेगी। और डोसे की रेसिपी मैं दूसरे चैनल पे देने वाला, मतलब दूसरे इस पे दूंगी। तो चलिए अभी मैं खाती हूँ और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। और वो जो डोसा बना है ना, वो नीर डोसा है, जो इडली के साथ में मिलता है, जो मसाला डोसा है, उसका वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। ये वीडियो जाने के बाद, इसके बाद वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मसाले डोसे का रेसिपी। और पूरे बैटर में आपको नमक नहीं डालना है, जितना बैटर यूज़ करना है वही बैटर आपको साइड में निकाल के रखना है। और फर्मेंटेशन के लिए आपको बड़ा बर्तन लेना है। आपने देखा मैंने 3 कप 4 कप के लिए, नहीं 5 कप के लिए, 1 कप पोहा था, 1 कप दाल था, 3 कप था, तो 4 कप हो गया ना, तो 4 कप के लिए मैंने उतना बड़ा डेगची लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूलता है। अगर आप छोटा बर्तन लोगे तो उसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी और पूरा बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। कितना बज गया, 11:30 ना, नहीं 12:30 बज गए। चलिए मैं खाती हूँ और फिर मुझे जाना भी है। फाइनली सब काम खत्म हो गया है। कैसी लगी रेसिपी सांभर चटनी इडली की? और डोसे की रेसिपी इसकी बाद वाली वीडियो में, मतलब इसके बाद की जो वीडियो जाएगी उसमें जाएगी। और अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पार्सल मैंने खोल के नहीं दिखाया, तो पार्सल का जो भी वीडियो है इसके बाद वाली में ही शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और पोस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अभी मैं खाने वाली हूँ नाकोमाट, क्योंकि ऑल टाइम फेवरेट है मेरा नाकोमाट, तो मैं इसे खाती हूँ। फुल रोस्टेड है, तो बहुत, मतलब जब से आया तब से मैंने तीसरी बार खाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ना ये वाले पार्सल में ना, उस दिन जब खाया था तो अच्छा था, बट ये वाले पार्सल में ना मैं जितना भी खा रही हूँ ना, किरकिरी किरकिरी आ रही है और पूरा मूड ख़राब हो रहा है, पूरा ऐसा किरकिर किरकिर आ रहा है नाकोमाट में। इसमें भी वही है, खाते तब नहीं पता चलता, लास्ट वाले में ना बहुत एकदम दांत ये हो जाते हैं। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ नाकोमाट के ऊपर, क्योंकि मेरा अभी ना वो प्रतिमा जादव से मंगाया है मैंने नाकोमाट, वो आ जाएगा ना तो फिर मैं उसके साथ वीडियो बनाऊँगी। बहुत लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक किरकिरी के साथ अगर मैं खाऊंगी ना तो मुझे भी प्रॉब्लम होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक में है कि दो में, बट मैंने जितना बाइट लिया है ना, जितना भी खाया उसमें देखिए आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। इसके पहले जो मैंने मंगाया था ना वो 1 नंबर था, और बिल्कुल भी उसमें ग्रिटीनेस नहीं था, एमपी सेलर से मंगाया था मैंने, बहुत ही अच्छा था। बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं। और पार्सल का जो भी वीडियो है ना, आप आगे वाली वीडियो में देखना कि मुझे पार्सल रिसीव कैसा हुआ है। उनका भी दोष नहीं है, ये जो पोस्ट से जो हम लोग मंगाते हैं इंडियन पोस्ट से ना, वो तो बाबा आप देखना खाली कंडीशन उसकी कैसी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे कल पब्लिश भी करना है इसको। तो मिलती हूँ आपसे बाद में अगली वीडियो में, डोसा की रेसिपी भी मैं उसी में शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी रेसिपी देना भी नहीं जमता है मुझे करने के लिए, इसके वजह से। तो ये 3 पार्ट में गया, जैसे बैटर बनाना सिखाया, बैटर भिगाना, बैटर बनाना, इडली का और डोसा, ये 4 का लिंक मैं ना चारों वीडियो के नीचे डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना। और मैं बकायदा लिख दूंगी कि ये बैटर का वीडियो है, ये डोसे का वीडियो है, ये इडली का वीडियो है,
तो जो नहीं समझेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे बता देना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाद में।